थोड़ा सा बताइए ना, आज के दिन नहाने से क्या होता है सो बताइए थोड़ा सा। कार्तिक पूर्णिमा है आज के जी, दिन जी। आज मैंने स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व, थोड़ा एक दुख बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से सकल ब्लॉग में। आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर के आया हूँ बिहार, जहाँ पर फाल्गुनी भर में आज विश्व के प्रसिद्ध लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे। पूर्णिमा है जो कि आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, और सभी श्रद्धालु लोग आए हैं बिहार के जो विष्णु चरण स्तूप है उस पर लोग स्नान ग्रहण करने के लिए आए हैं। और आज विष्णु चरण धाम को भी मैं कोशिश करूंगा दिखाने का, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं का भीड़ है। तो बने रहे लगातार सकल ब्लॉग में, आगे मैं ले चलता हूँ। बोध गया पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, जो कि देख रहे हैं कि ये फाल्गुनी रिवर की में जो प्रसिद्ध नदी है, और नीतीश सरकार के द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ बालू की घाट हुआ करता था, जो कि बिहार में लोग बोलता है कि बालू फाटव का बानी वही बाल है। लेकिन नीतीश सरकार जैसे यूँ ही कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर एक अच्छा सा डैम बना दिया गया है जिस पर हम लोग पैदल आर पार होते थे विष्णु चरण स्तूप में। आज यहाँ पर नौका विहार करना पड़ रहा है बिहार में, और देखते हैं बहुत क्या रहे। तो सबसे पहले आज कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सबसे पहले स्नान ग्रहण करता हूँ, उसके बाद आप लगातार बने रहे मेरे वीडियो में, उसके बाद मैं मंदिर का आपको दर्शन कराऊंगा। जोहार। गाड़ियाँ खोल कर रखे रोरी हो चंदन होले तो आप मस्तवा में ले गिरवा चंदवा गिरवा नीचे गंगा माई के दे अच्छा अच्छा मैं बातिंग कर चुका हूं और पूजा अर्चना कर लिया हूं। इसके बाद मेरा गुरु जो है प्रकाश जी को मैं नहाने के लिए भेजा हूं, तो मैं उसका लाइव दिखा। और ये रहा गुरु बातिंग करके बाहर निकलते हुए जी। और ये रहा मेरे गुरु हेल्प करते हुए एक दूसरे को। गुरु वहाँ पर थोड़ा सा नमस्कार कर लीजिए अग्निदेव को। नहीं नहीं ऑल राइट है तो लगा सकते हैं। ओम त्राम कमे जामाए सुगंधि पुष्टि वर्धन गुरु आर्य कुमंदनाथ मृत मुक्ष मामे दातुम जयंत मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। और दोस्तों इस तरह से मेरा गुरु भी स्नान कर लिया, और मैं अभी कुछ ही पल में यहाँ पर देख रहे हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी लोग श्रद्धालु लोग यहाँ पर स्नान ग्रहण करने के लिए आए हैं। और आज के दिन नहाने से या कोई शुभ कार्य करने से पूर्ण होता है। और जैसे आज के बोला जाता है कि आज के दिन कोई प्रसिद्ध नदी गंगा यमुना सरस्वती या कोई शुभ नदी में नहाने से काफ़ी पुण्य मिलता है और मन को शुद्धि प्राप्त होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ गया विष्णु चरण धाम, ये है ना बाबा विष्णु चरण धाम ही है ना जी। बाबा थोड़ा सा बताइए ना, आज के दिन नहाने से क्या होता है सो बताइए थोड़ा सा। कार्तिक पूर्णिमा है आज के जी। आज मैंने
स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व, थोड़ा एक दुख बता दीजिए। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। ठीक है, ऐसे कि आप देख रहे, भारत का ये प्रसिद्ध, भारत नहीं विश्व का ये प्रसिद्ध है, जो कि आज का दिन में स्नान करने से बहुत ही शुद्धि प्राप्त होती है। आज के दिन आपको बाद में आपको सीतापुर प्रवेश द्वार में आ चुका हूँ, और यहाँ पर बहुत ही जल्द मैं आपको सीताकुंड में आपको दिखाऊंगा, जहाँ राजा दशरथ का यहाँ पर माँ सीता ने उसे पिंड दान किए थे, उस मंदिर पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो बने रहे आप लोग सकल ब्लॉग में, सीताकुंड की ओर चलते हैं। गरीब लोग को दान हो रहा है, और मैं कि आप हम लोग सीता धाम में आ चुके हैं, जो सीता माता यहाँ पर पिंड दान जो दी थी उस जगह में आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं हमारे बाएं तरफ प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे लोग को, यहाँ पर सभी लोग बड़े बड़े लोग यहाँ दान दीक्षा करके जाते हैं, और अपने आप को गरीब लोग को यहाँ पर दान देने वाला सेंटर है। आपको जो जितना साधारण लोग को यहाँ पर दान देने का अगर इच्छा रहता है, तो लोग यहाँ इच्छा देते हैं और अपने आप को पुण्य का भागी में अपना नाम खाते में लिखाते हैं। और गाइस ये देखिए मेरे समक्ष में जो अभी सूर्य देव मंदिर है, यहाँ पर जो छठ महापर्व का उपलक्ष्य बहुत ही धूमधाम से नीतीश सरकार के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जाता है, क्योंकि सूर्य मंदिर में लाखों श्रद्धालु लोग अभी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, लोग माथा टेक रहे हैं सूर्य मंदिर में, जो कि आप डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं, बोध गया विष्णु चरण धाम से। बोलिए सीता मैया की जय। चलिए नारियल है, और सूर्य मंदिर का भी लोग काफ़ी करीब में है, आप देख रहे हैं, और सभी माताएं बहनें सभी श्रद्धालुजन यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में। और जैसा कि आज बोला जाता है कि भगवान के सामने आज जो माथा टेकता है, तो भगवान उन्हें पूर्ण करते हैं, और इसी आस और विश्वास के साथ सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए दूर देश से लोग आए हैं। आज का एक कार्तिक पूर्णिमा का दिन है,
तो यहाँ के कुछ सरदार लोगों से मैं अपील करता हूँ आपका दिन यहाँ लोग भीड़ क्यों होकर। जैसा कि आपको मालूम है आज कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन है, इसकी बहुत धार्मिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। इस दिन स्नान को बहुत ही शुभ माना गया है हमारे सनातन धर्म में, और इसका नहाने से ऐसा मान्यता है कि आज सारे दुख हर लिए जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज भक्त लोग यहाँ पे स्नान करने आए। अभी कहाँ पर आप खड़े हैं? ये हमारा सीता कुंड है, इसका भी अपना महत्व है। ये भी बहुत पौराणिक जगह है, माँ सीता का यहाँ पे कुंड बना हुआ है, माँ सीता पहले भी यहाँ पे आई है। और ये हमारी सरल सालीला फल्गु नदी है जो अभी कलकल बह रही है रबर डैम के बन जाने से। पानी का जो बहाव है वो यहाँ लगातार बना हुआ है, श्रद्धालुओं को नहाने में सुविधा हो रही है। तो चलिए लगातार बने रहे आपसे कल ब्लॉग में, और इस तरह से देख रहे श्रद्धालु आज का दिन यहाँ स्नान करने से एक पुण्य का भागी बनते हैं। तो चलिए थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। और दोस्तों आज हम लोग सीता कुंड में पहुंचे हुए हैं, तो यहां का श्रद्धालुओं से मैं पूछता हूं, यहां देख रहे हैं सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए, और कैमरे अंदर में लेना निषेध है, इसलिए करके मैं बाहर से ही मैं आप लोग को लेता हूं। थोड़ा बताइए माता जी, यहां पर एक्सप्लेन कीजिए कि सीता कुंड यहां पर क्यों प्रसिद्ध है। हाथ में जो देना है दे दीजिए माता रानी को। अच्छा, सीता माता है, राम लक्ष्मण सीता, और यहीं से पिंड पारे थे। हाँ, पारी थी सीता माता नहीं दिए थे। तो देखिए गाइस, यही है सीता कुंड, बट अंदर में कैमरा लेना भी निषेध है क्योंकि काफी भीड़ है। मैं इसका ब्लॉग फिर कभी मैं दिखाऊंगा। थोड़ा बताओ बाबू, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। राम लक्ष्मण सीता माता और चल गए थे सामान लाने के लिए। जी, सामान लाने के लिए चल गए थे, इसीलिए सामान छूट गया, काम होने के लिए हो गए ना, इसलिए पांच गो को साक्षी रखा हूँ। अच्छा, गौ, पंडा और नदी और भक्त वृक्ष। भक्त वृक्ष सच बोला था कि मैं सीता पिंड करते देखा था। अच्छा, और तभी से यहाँ पर तभी सब झूठ बोल दिए, गौ भी झूठ बोल दी कि अब सीता माता को पिंड नहीं देखे हैं। अच्छा, पंडा सोचा कि हम जितना पास मान रहेगा हाथ नीचे रहेगा। हाँ, ये बात है। और नदी का पूरा दिया, पहले दूध का ढारा गिरता था। हाँ, नदी में तो पूरा पानी भर गया। ये डैम के चलते में हुआ ना, डैम भर गई। हाँ, डैम बना दिया ना, इसी जल्दी रोक दिया। तो तभी से यहाँ पर जब आती गर्मी सूख जाती है, नदी सूख जाती है। यहाँ तो पूरा पानी भरा हुआ है भाई, पूरा बदबू मारती है। तो चलिए इस तरह से छोटे यहाँ पर बाबा जो पुजारी ग्रुप में हैं, और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि पांच विभिन्न लोग सीता माता ने उन्हें चलो ना गोड़ू लगाते हैं। ये प्रमुख गया गदाधर नाथ दर्शन मंदिर है। जी मम्मी। और दोस्तों, इस तरह से फाल्गु नदी में आप देख रहे हैं कि भीड़ काफी मात्रा में लग चुका है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे और भीड़ यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ बोध गया फाल्गु रिवर से। रुक जा लो। अरे बरमाला के बाद आज मंदिर में माला पहनाया गया, और इस तरह से को जो गाइस हमने पूजा अर्चना कर लिया है यहाँ पर इस मंदिर परिसर में, और सीधा मैं यहाँ के बाद मैं आपको ले चलता हूँ बोध गया की तरफ, और वहाँ के डायरेक्ट लाइव मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, इस तरह से हम लोग पूजा अर्चना कर लिए हैं, और हम लोग मंदिर परिसर से बाहर की ओर हम लोग जा रहे हैं, और काफ़ी शांति फीलिंग हुआ, काफ़ी सुंदर लगा यहाँ पर आ करके। और
आज का दिन जो हम लोग का भाग्य में था यहाँ पर आने का, बिन बोले हम लोग यहाँ पर आए थे और आज हम लोग यहाँ पर स्नान किए कार्तिक पूर्णिमा। अपने आप को बहुत ही सौभाग्य समझते हैं। आज हम लोग बिहार राज्य के बोध गया स्थित विष्णु चरण धाम में पहुँचे हैं। तो मैडम जी, आज आप यहाँ आकर नगर निगम क्यों, आज भारत के प्रसिद्ध लोग यहाँ, लाखों लोग क्यों आज यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं? इस जगह अभी मैं खड़ी हूँ, सीता कुंड नाम है इसका, और इस जगह श्री राम सीता और लक्ष्मण दशरथ राजा जब उसका पिंड दान दे रहे थे उसमें सीता माता ही पर पिंडदान की हुई थी, तो उस समय यहाँ पर सबको साक्षी मान के गाय कुसी माता बरगद ये सबको सारा चीज़ जो राम भगवान है कि भिक्षाटन करने के लिए चले गए तो सीता माता वहाँ देखभाल कर रही थी। जब ही दान करने लगे तो उसमें राम को भगवान को लेट हो गया, उसमें जब दान करने लगी तो गुहा के तौर पे तुलसी माता गाय बरगद और ये नदी ये सारा कोई था। ठीक उस समय है कि इन लोग जिस समय राम भगवान आए और पिंड दान किए उसमें इनको पूछा गया कि किनको किनको आप साक्षी मान के यहाँ पिंड दान किए हैं, उस समय क्या हुआ कि सब झूठ बोल दिए ना। नदी जो थी नदी भी वो भी बोला कि नहीं देखा था मैंने, तो इसलिए उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम कभी भरा हुआ नदी नहीं रहेगा, सूखा हुआ ही रहेगा। तुलसी माता को भी श्राप दे दिया कि तुम झूठ बोल रही हो तो तुमको कुत्ता पेशाब कर देंगे। इस तरह करके बरगद ने वो सही बोली थी कि इसीलिए बरगद कभी उसका पत्ता झड़ता नहीं है, सब दिन हरा भरा रहता है। गौ माता को भी श्राप दी थी कि तुम्हारा मुंह जबान कभी नहीं खुलेगा, है ना। इस तरह करके सबको श्राप दिया है और साक्षी मान के सीता माता यहीं पर पिंड पाए। मैं उसी स्थल में आई और आज भी सबसे कार्तिक मास जो पूर्णिमा है बहुत शुभ मुहूर्त होता है, इसलिए आज सबको स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत भीड़ भड़ाका था, हम लोग भी शुभ दिन में हम लोग यहाँ आए, इसके लिए माता का सहयोग कहिए जो भी कहिए माता का कृपा हो तो आज हम लोग यहाँ पर आए। धन्यवाद। तो आज के दिन विश्व के लोग यहाँ पर स्नान करने आए, लेकिन मैंने एक देखा कि सीता माँ का जो श्राप था बिहार का नीतीश गवर्नमेंट जो है नीतीश कुमार माँ को उसको पूर्ण रूपेण अपोजिट कर दिया। ये नदी अब सूखा नहीं है, ये नदी तो पानी से लबालब भरा हुआ है। अब यहाँ नौका बिहार भी किया जा रहा है, इस नीतीश सरकार का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। इस विष्णु जो माँ सीता कुंड के स्थान विष्णु चरण धाम को पूरा परिवर्तित कर दिए हैं बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, पूरा यहाँ विकसित हो चुका है और आप पानी यहाँ सूखा नहीं लवाला भरा हुआ और यहाँ नौका विहार किया जा रहा है। तो आप लोगों से अपील है आप लोग आप यहाँ सीता को ना करके इसमें नौका विहार कर सकते हैं और यहाँ से फूल मस्ती ले सकते हैं। लगातार दोस्तों मैं आपको सुबह से अभी 9 बजे को चला, मैं लगातार आपको सीता कुंड का कार्यक्रम आ रहा है, सभी लोग स्नान ग्रहण करने के लिए आए थे कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में और विभिन्न वीडियो को मैंने दिखाने का काम किया हूँ। तो लगातार बने रहे आप मेरे सुकल्य चैनल में। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमेशा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।